कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेंद्र सिन्हा आज आए हैं सेक्टर 5 ईडन टावर। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहले से आपको पता चल गया होगा कि ये फुल्ली लग्जरियस काम किया हुआ फ्लैट, न्यूली ब्रांडेड काम किया हुआ फ्लैट है। ईडन टावर का फ्लैट है, थर्ड फ्लोर पे। और जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, आगे देख सकते हो, हर जगह आपको काम दिख रहा होगा। तो यह हम ईडन टावर पे आए थे, सेक्टर 5 में है। और पहले हम सेक्टर के बारे में नॉलेज दे दें, बाकी फ्लैट तो हम आपको बताएंगे ही, जैसे हर बार बताते हैं। इस सेक्टर ये 5 पड़ता है, सामने बगल में 4 सेक्टर है, 4-5 सेक्टर बिल्कुल मेन रोड की, इससे थोड़ा अंदर ये सोसाइटी है, ज़्यादा अंदर नहीं, बिल्कुल मेन रोड से लेफ्ट मुड़ेंगे अंदर सोसाइटी है। सामने गेट के सामने बिल्कुल BMD कोई स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है, काफ़ी बड़ी स्कूल है, और बिल्कुल गेट के सामने स्कूल है। यहाँ पे आपको 4 और 5 का मार्केट पास पड़ेगा, 4 की मार्केट पास में है, 5 की मार्केट पास में है, 12 की मार्केट पास में है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 का मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा पास में। और ये सोसाइटी अभी फुल्ली रेनोवेट, पूरी सोसाइटी रेनोवेट हुई है, जैसे ये फ्लैट है वैसे सोसाइटी रेनोवेट हो रही है। हर टावर में लिफ्ट नहीं लगी है, मंदिर का बन रहा है, काफ़ी अच्छी मंदिर बन रही है, पूरी सोसाइटी रेनोवेट होगा, पार्क डेवलप हो रहा है। तो और इसमें आपको एक रूम एक्सटेंशन हुआ है, तो ये प्रॉपर 4 बेडरूम का फ्लैट बन गया है। और हम बिल्कुल गेट के सामने का जो टावर है 8 टावर, उसके 3rd फ्लोर पे हम हैं। एंड ये प्रॉपर 4 बेडरूम 3 बाथरूम लग्जरियस वर्किंग काम किया हुआ फ्लैट है। यहाँ से 4-5 में ऐसे बिल्कुल इधर सीधा निकल लो तो आप 5 के रोड आगे से बिल्कुल सीधा जाओगे तो आपको 6 का आप आ जाओगे, 6-10 के मार्केट आ जाओगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ जाओगे। यहाँ पे 4-5 में आपको 2-3 स्कूल है, काफ़ी अच्छी स्कूल है, जो इंटरनेशनल लेवल की स्कूल मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है, 12 का 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से मेट्रो स्टेशन है। और सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें आपको 4 की मार्केट, 5 की मार्केट ये सारे आसपास पड़ते हैं। और गेट के सामने बिल्कुल एक स्कूल है, BMD स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है। और भी कई स्कूल हैं जो 4-5 में है। यहाँ की अच्छी अच्छी सोसाइटी हैं, जैसे कि आपको सेक्टर 4 में अंतरिक्ष हो गया, 5 में केसरवानी हो गया, हिमाचल धौलाधर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आपको सस्ती अगर सोसाइटी चाहिए अच्छी तो कम बजट में, तो राजस्थान अपार्टमेंट हो गया। अंत आपको सब ये 4 में आपको ओम सत्यम है मिले, तो कई सारे संचार विहार है, तो काफ़ी टॉप लेवल है 4-5 की सोसाइटी। ग्रीनी एरिया बहुत ज़्यादा है, 4-5 खुला जो सेक्टर है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, मार्केट भी है पर मार्केट से बिल्कुल सटा भी नहीं है, मेट्रो के पास में है पर बिल्कुल मेट्रो के पास नहीं है। और ये सोसाइटी फुल्ली रेनोवेट हो रही है, मंदिर नया निर्माण हो रहा है, लिफ्ट सब नई लगी है, और फ्लैट तो नया है ही। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अगर इस नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इस टाइप का ही नोटिफिकेशन आता रहेगा। 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, 4 बेडरूम का, 5 बेडरूम का, 6 बेडरूम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कब कौन सा फ्लैट आपके वीडियो आपके बजट में आ जाए, कब कौन आपके ड्रीम का सपना आपने सोच रखा है उस बजट का वीडियो आपके पास आ जाए। आपके बजट के लिए हम सेमी फर्निश, लग्जरियस, रॉ फ्लैट, पेंटा हाउस, डुप्लेक्स, द्वारका या द्वारका एक्सप्रेस में, चाहे वो प्लॉट ओरिजिनल बुकिंग हो, चाहे सेल का हो, चाहे परचेज करना हो, चाहे रेंटल लेना हो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी चैनल के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी स्टेट के पास नहीं जाना चाहिए। जस्ट आप हमें कॉल कीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु हर चीज़ आपको सुविधा देगा, हर वो सर्विस देगा, वीडियो बनाने से लेके, विजिट कराने से लेके, रजिस्ट्री कराने से लेके, बुकिंग कराने से लेके, रेंटल हर एक चीज़ सर्विस के लिए हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी हमसे आप कमेंट पे बात कर सकते हो। तो प्लीज़ इसी कारण नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु सब बने रहिए, हमारे मेहनत का साथ दीजिए, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। अब फ्लैट आप दिखाते हैं, फ्लैट कैसा है। थैंक यू। जैसे कि देख सकते हैं कि हम आ गए मेन एंट्री पे, फ्लैट के मेन एंट्री पे। ये हमारा लाइट जो चमक रहा है वो हमारा फ्लैट है, 3rd फ्लोर का फ्लैट है। और ये 2 लिफ्ट है, जो नई लिफ्ट मैंने बताया था, ये 2 लिफ्ट है। लिफ्ट से निकलते ही, लिफ्ट से निकलो और आपका फ्लैट है। ये फ्लैट की एंट्री है। जैसे कि देखते हैं कि लग्जरियस काम जो मैंने बताया था सेम ऐसा ही काम किया हुआ है। दरवाजे की आप देख सकते हो क्वालिटी, गोल्डन कलर का काम किया गया हुआ है और काफ़ी मजबूती है, काफ़ी इसकी ठोस मजबूत काम किया गया है। आप चाहे इसका लॉक देख सकते हैं, ये लॉक भी काफ़ी आजकल लेटेस्ट लॉक जो होता है,
वो बना हुआ है, लॉक सिस्टम है। एंड हम आगे मेन एंट्री पे, पहले मैं आपको फ्लैट का चारों तरफ दिखा दूं। तो हम पहले ड्राइंग का एरिया देखते हैं। ड्राइंग एरिया ये रहा दीवार, और यहाँ से जैसे हर बार की तरह मैं आपको साइज दिखाता हूँ, साइज आपको पता चलेगी आखिर साइज कितना है, क्योंकि वीडियो देखने में 50% आपका काम हो जाए। ये ड्राइंग का एरिया था। इधर हम चले जाते हैं तो सामने फर्स्ट बेडरूम है, एंड डाइनिंग का एरिया ये है, ये डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पर हम डाइनिंग एरिया देखते हैं, ये डाइनिंग की चौड़ाई थी और इसकी लंबाई दिखा देता हूँ, ये इसकी लंबाई। ये डाइनिंग का है, सामने किचन है, और ये ड्राइंग में हम फिर से आ गए, ये ड्राइंग का एरिया है। फ्लैट में एंट्री करते ड्राइंग के सामने आप खड़े होते हो तो आपके बिल्कुल लेफ्ट हाथ में ये एरिया आता है, जो एरिया साइड में अलग से है जिसमें आप शोकेस वगैरह रख कर सकते हो, ये रहा। और फर्स्ट बेडरूम में ये बेडरूम का पहले साइज दिखाऊंगा आपको। ये इसकी फर्स्ट बेडरूम की चौड़ाई लंबाई थी, काफी अच्छा साइज है, और ये इसकी चौड़ाई। और आप बाहर से पहले ये लोकेशन देख लीजिए, सामने ऊपर का काम किया हुआ है एंड कवर्ड बना हुआ है। इसके साथ आपका अटैच बाथरूम है, और जैसे कि देख रहे हैं कि मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो बाथरूम काफी अच्छे बना हुआ है, आपके नजर में है, आपके वीडियो देख ही रहे होंगे। और इसके सामने एक छोटी बालकनी है, फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट बाथरूम फर्स्ट बालकनी, इसमें थोड़ा सामान रखा हुआ है, पर लंबी सी बालकनी है, छोटी नहीं है। ये देखिए काफी लंबी बालकनी है, लाइटिंग लगी हुई है, और बाहर का लोकेशन है, ये सोसाइटी का बाहर अंदर का लोकेशन जो आपने मैंने कहा रेनोवेट हो रहा है, ये काफी सुंदर पार्क बनने जा रहा है, काफी फाउंटेन वगैरह सब कुछ रहेगा, ग्रीन एरिया बनेगा, और ये पूरी दाने वाली सोसाइटी है, बिल्कुल धूप आ रही, मेरे रेनोवेट है। सामने स्कूल जो देख रहे हैं व्हाइट कलर का, वो BMD स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। और ये लंबी बालकनी थी, काफी फर्स्ट बेडरूम का फ्लैट था। कवर्ड हम देख काफी देख सकते हैं, काफी अच्छा बना हुआ है, लॉक सिस्टम लगा हुआ है, AC की वायरिंग आपकी हर रूम में किया हुआ है, ड्राइंग डाइनिंग में भी किया हुआ है। लॉक आप देख सकते हैं जो आजकल चल रहा है, काफी बेस्ट लोकेशन है। दरवाजे की क्वालिटी आप जब आओगे तो खुद ही पता चलेगा कि क्या क्वालिटी में है। एंड ये देख ही सकते हैं क्या लाजवाब झूमर लगा हुआ है, सारे लेटेस्ट फैन है। यहाँ पे आपका वुडन का काम किया गया हुआ है। डाइनिंग में हम आ गए, डाइनिंग के सामने ये किचन है, और बिल्कुल डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगेगा, ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगेगा, और सामने आपका यहाँ पे आप ग्लास वगैरह लगाओ, सामने ग्लास लगा सकते हो, माइक्रोवेव ओवन है। ये किचन से बाहर है जहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लगेगा, जो किचन के साइज को काफी कंजेस्टेड होने से बचाया है। यहाँ पर जितने भी आइटम है आप रखो, यहाँ पे सारा स्टोरेज बना हुआ है। किचन के बाहर है ये डाइनिंग टेबल, जहां पे लगेगा वहां पे है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये अलग एक बनाया गया इस तरीका से कि आपके किचन को काफी अच्छा कर, जहां पे टेबल लगेगा सामने माइक्रोवेव ओवन है, टेबल के सामने खाना रखा हुआ है, सामने गर्म करो खाने पीने का सामान, यहाँ पे रखो स्टोरेज है, यहाँ ग्लास वगैरह रख सकते हो, और सामने ये किचन आ गया। किचन कंजेस्टेड ना इसलिए वो आइटम बाहर रखा गया। ये सामने शोकेस टाइप का बना है, आपको ये गैस का बर्नर मिलता है, एंड टच वाली आपकी चिमनी लगी है, गैस बर्नर लगा हुआ है। आजकल लेटेस्ट जो बन रही है मॉडलर किचन, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, चिमनी भी लगा हुआ है, और काफ़ी सुंदर काम किया हुआ है। यहाँ से देखिए जहाँ पे आपका टेबल लगेगा डाइनिंग टेबल, वो सामने आपका बना हुआ है। तो ये जो मॉडलर किचन होता है इसकी गारंटी होती है, ये फायर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, कोई भी इसमें दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। तो आजकल यही किचन में चल रहा है, और ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे सामने आपका वो सामान लगेगा, माइक्रोवेव ओवन है, सब कुछ है, खाने पीने का जो भी लेटेस्ट है, AC का वायरिंग किया हुआ है।
एंड सेकेंड बाथरूम है जो कॉमन है, रूम के साथ है और ड्राइंग डाइनिंग के साथ है। जैसे कि बता दूं, हमारे पास आज के डेट में ईडन टावर में 2 से 3 फ्लैट हैं और सेम ऐसा ही काम किया, एक टॉप फ्लोर का भी फ्लैट आ रहा है, एक ये फ्लैट भी है, एक और फ्लैट है। तो किसी को अगर 2 फ्लैट चाहिए, 2 भाई हैं, 2 दोस्त हैं जो चाहिए, तो आपको ये मिल सकता है एक सोसाइटी में ही, सेम काम सेम साइज का। ये सेकेंड बेडरूम का फ्लैट था, डबल डोर का लगा हुआ है, सामने आपका बालकनी है जो उस अलग से रास्ता जाएगा, मैं वो दिखाऊंगा आपको, और सामने वो BMD स्कूल है, तो इसमें भी AC की वायरिंग की हुई है। एंड हम थर्ड बेडरूम है। फ्लोरिंग आप देखिए, इसकी चौड़ाई, ये थर्ड रूम की चौड़ाई हो गई एंड ये इसकी लंबाई है। और तीसरे बेडरूम के साथ तीसरा बाथरूम है जो अटैच है। एंड 3 बाथरूम हो गए अभी तक, और ये बालकनी है वही जो लंबी वाली बालकनी थी। सामने का व्यू है, सोसाइटी देखिए, कहीं भी टूट वूट नहीं है, बिल्कुल दाने वाली सोसाइटी है, रेनोवेट है। दाने वाली कहते हैं जो बाहर से वो कंक्रीट लगा होता है जिसमें टूट फूट नहीं होती है, सीलन नहीं आती है ज़्यादा, आपको जल्दी ये टूटता नहीं है, सीलन नहीं आती है, तो वेल इसको दाने वाली सोसाइटी हम आप भाषा। एंड आप जा रहे हैं 4th बेडरूम में, ये हम 4th बेडरूम में आ गए। इसकी चौड़ाई थी और ये लंबाई, फर्स्ट क्लास कवर्ड बना हुआ है। ये स्पेस में यहां पे आप फर्स्ट क्लास एक कंप्यूटर टेबल रखो, कंप्यूटर लगाओ, लैपटॉप लगाओ, बाहर का बालकनी का व्यू भी देखो। पावर प्लग दिया गया हुआ है, AC की वायरिंग है, पंखे भी लग रहे हैं, और दरवाजे की क्वालिटी तो टॉप क्लास का है। और ये बाथरूम हो गया, 3 बाथरूम है, 4 बेडरूम है, और सबसे बड़ी बालकनी में हम जा रहे हैं। ये देखिए वुडन फ्लोर किया हुआ है, पहले बालकनी का दिखा देता हूँ फिर बाहर का, बहुत ही जस्ट लाइक टेरिस। ये देखिए मैं चल रहा हूँ, पहले आपको दिखा रहा हूँ, फिर मुड़ गए हम। ओ ये 10 टेरिस है, इसको हम बालकनी कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, मतलब एल शेप की 2 साइड बड़ी बालकनी, और बालकनी में हर जगह आपको मेन रोड की ये सोसाइटी है, बिल्कुल मेन रोड की सोसाइटी है, गेट के सामने का सोसाइटी है, या मेन रोड की सोसाइटी है, और मेन रोड के ये टावर है, और मेन रोड फेसिंग ये फ्लैट है। सामने ये अब काफ़ी बड़ी अच्छी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है, BMD स्कूल है। और ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये एक तरफ की बालकनी हुई है, हर जगह लाइट लगी है, नीचे भी लाइट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ऊपर भी लाइट लगा हुआ है। और ये देखिए वुडन फ्लोरिंग है, मस्त से बैठो, पूरी सीटिंग एरिया बन सकती है, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है, क्रॉस वेंटिलेशन। अब फिर हम लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट में ये बड़ी बालकनी है, मैं 2 साइड ऐसे देखिए, इसको हम बालकनी ना कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्लैट की इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि सच में ये छोटा एक टेरिस है, I'm so sorry। एंड ये रहा, ये देखिए, एंड फिर इधर देखिए, तो ये एल शेप की बड़ी सी बालकनी है, उस कोने से ऐसे आती है और ऐसे, और सब जगह लाइटिंग लगी हुई है, नीचे भी लाइटिंग है, ये देख सकते हैं, और ऊपर भी लाइटिंग है, ग्लास लगा दो या खुला रखो, और नीचे आराम से कुर्सी टेबल लगा के शाम के टाइम में मस्त वाली छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या आपका सिर्फ सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, बैठो एंजॉय करो। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और यही रास्ता चला जाता है आपको 6 के तरफ, 4-5 में हम हैं, सामने 5 में ये सोसाइटी है, सामने ये BMD स्कूल है, ग्रीन व्यू है, और ये पार्कनी, और ये देखिए सारा चीज़ मेंटेन हो रहा है,
यहाँ पे फाउंटेन वगैरह ग्रीन एरिया पूरा बनेगा, ये पार्क बन जाएगा तो क्या गजब का लगेगा, बहुत ही सुंदर पार्क बनने जा रहा है, बहुत ही सुंदर पार्क। और ये पार्क फेसिंग की बालकनी है, सामने भी कहीं भी ये सोसाइटी देखो सारे मेंटेन हो गए जाने वाली। और जिस मंदिर का मैंने कह रहा था डेवलप होगा, ये मंदिर है जो डेवलप होगा, सारे पैसे कलेक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों हम ईडन टावर में थे और ईडन टावर के फ्लैट में हम ए ब्लॉक के थर्ड फ्लोर पर आए थे। फोर बेडरूम का फ्लैट है, तीन बाथरूम है, तीन बालकनी है, बड़ी बालकनी जिसको टेरिस भी कह सकते हैं। और ईडन टावर इसमें हमें टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है और एक नीचे का भी एक और फ्लैट अवेलेबल है। और ये लग्जरियस काम किया हुआ, ब्रांडेड काम किया हुआ, क्वालिटी नो मैं बताना पड़ेगा कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी, चाहे वुडन की क्वालिटी हो, चाहे फ्लोरिंग की क्वालिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे मॉडुलर किचन का काम हो, चाहे लेटेस्ट इंटीरियर वर्क हो, हमारे द्वारा बनाया हुआ नंबर वन चीज इंटीरियर वर्क है, नंबर वन क्वालिटी है, नंबर वन आपका फ्लैट है, नंबर वन लोकेशन है और नंबर वन फ्लोरिंग है, नंबर वन प्राइस भी होगा। और नंबर वन प्रॉपर्टी चैनल को, नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे फ्लैट के लिए हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही फ्लैट लेते आएंगे। तो इसकी आस्किंग प्राइस दोस्तों 2,45,00,000 नेगोशिएबल है। फ्लैट देखिए, इसमें एक और फ्लैट है, वो टॉप फ्लोर है, उसकी भी प्राइस आपको बताएंगे जब आप मुझे कॉल करोगे। इसकी आस्किंग प्राइस 2,45,00,000, 2-4 बेडरूम कॉर्नर का फ्लैट, मेन रोड फेसिंग, लग्जरियस वर्क, बिगेस्ट बालकनी का फ्लैट, 2,45,00,000 आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी बैंक से लोन मिलता है, जब चाहो जिस दिन चाहो देख सकते हो, जब चाहो जिस वक्त चाहो मीटिंग कर सकते हो, आपका अपना सपनों का घर मिल सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कॉल करना है, विजिट के लिए टाइम लेना है, विजिट करना है, मीटिंग करना है, रजिस्ट्री करा के चाबी देने हम खुद आएंगे। तो डोंट मिस, प्लीज सब्सक्राइब नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु। थैंक यू।